हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग जायसवाल एक बार फिर आपके सामने लेके हाजिर हूँ आपके अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। हम लोग बी फॉर्म्स फर्स्ट ईयर के सारे पेपर अपलोड कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का अपलोड कर चुके हैं। अब बी फॉर्म सेकेंड ईयर की थोड़ी देर पहले हमने अपलोड किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर। अब की बात कर रहे हैं हम लोग फार्माकोलॉजी का पेपर। फार्माकोलॉजी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और टफ सब्जेक्ट है और इसका बहुत ही लेंथी सिलेबस है, तो उसको सॉल्व कर पाना पूरा बहुत मुश्किल है। मैं आपको रिपीटेड सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो कि पिछले 10 सालों के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। आप अगर केवल इतने पेपर क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आप 75% स्कोर करेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देर किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। यूनिट वन की बात करें तो यूनिट वन में कुछ क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लीजिएगा। राइट डिटेल्स नोट ऑन डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग टॉलरेंस, ट्रैकीफाइलैक्सिस, आइडियोसिंक्रेसिस, ये आईडीओ है, ये आईसीयू हो गया इसको, सॉरी, और बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन टेक्निक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा है ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है और इसके टाइप्स और इसके जितने फेजेस होते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूनिट फर्स्ट का खत्म। यूनिट सेकंड में आते हैं फ्रेंड्स, तो पहला है व्हाट इज रिसेप्टर एंड टाइप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेप्टर का स्ट्रक्चर उसके टाइप्स। और उसमें से दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ GPCR कपल्ड रिसेप्टर, यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एंड इट्स टाइप्स। दिस इज द नाउ एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ आयन चैनल रिसेप्टर एंड इट्स टाइप्स, इसको भी आपको लिखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्शन, एक्सप्लेन ऑल टाइप, आपने पढ़ा होगा ना पोटेंशिएशन, एडिशन, सिंक्रोनाइजेशन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, वही सब पढ़ना है इसमें। व्हाट अ डिटेल, राइट अ डिटेल नोट ऑन ड्रग डिस्कवरी एंड इट्स फेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी का सारे फेज आपको पढ़ना है ना, उसमें आपने पढ़ा होगा फाउंड ऑफ लीड कंपाउंड, ऑप्टिमाइजेशन, ये सब पूरा उसका स्टेप है। राइट अ डिटेल नोट ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड इट्स ऑल फेजेस, भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड यूनिट थर्ड पे आते हैं, यूनिट थर्ड में है पहला क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस एंड फंक्शन बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन है राइट व्हाट इज द न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन एंड राइट द टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे एड्रेनालिन, एस्टेलकोलिन, डोपामिन, ये सब होते हैं जो। थर्ड क्वेश्चन है राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी वन, इसमें से कोई एक दो क्लासिफिकेशन याद करें। मैंने इसकी ट्रिक बना के डाली हुई यूट्यूब पे, अगर आपने यही देखा होगा, आप इन चारों क्लासिफिकेशन का आप मेराकोलॉजी पे जाइए, फार्माकोलॉजी के चैप्टर में ट्रिक में जाइए और आपको 100% याद हो जाएगा। बस आप वीडियो दो बार देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत ट्रिक के साथ इसको मैंने समझाया हुआ है, उसमें रोहित शर्मा की स्टोरी भी है। आगे आते हैं राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ एट्रोपिन, राइट द बायोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेस्ट्रेज एंजाइम एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फाइसोस्टैटिन, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मैकेनिज्म एंड फार्माकोलॉजी एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिट फोर के क्वेश्चन क्या आते हैं हम लोग, राइट डाउन बायोसिंथेसिस, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिटर एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ गाबा, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट इज है राइट बायोलॉजिकल, राइट डाउन बायोसिंथेसिस, न्यूरोहार्मोनल ट्रांसमिशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ डोपामिन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द जनरल एनेस्थेटिक्स एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन, ये फ्रेंड क्वेश्चन हो गए। यूनिट फोर्थ के नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट मोड ऑफ एक्शंस एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एंड जनरल ड्रग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। नेक्स्ट है फ्रेंड राइट द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एरिटोइन, जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, और व्हाट आर द स्मूथ मसल रिलैक्सेंट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपको लिखना है फ्रेंड। ठीक है यूनिट फ्रेंड, लास्ट यूनिट पे आते हैं, यूनिट फिफ्थ पे आते हैं, राइट द ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आपको लिखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड राइट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एमिट्रिप्टाइलिन आता है, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन पार्किंसन डिजीज एंड इट्स ड्रग्स, ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन अल्जाइमर डिजीज एंड इट्स ड्रग्स, एंड लास्ट क्वेश्चन है यूनिट फिफ्थ का, राइट नोट्स ऑन ओपॉइड एनाल्जेसिक्स, मोड ऑफ एक्शन एंड देयर यूज। फ्रेंड्स ये बहुत ही सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, आपको गारंटीड है कि आपके बहुत अच्छे स्कोर करेंगे इकोलॉजी में। पूरा सिलेबस पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, लास्ट टाइम अगर एग्जाम का चल रहा है फ्रेंड, बहुत मन से पढ़िएगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से दिए हुए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। आप मुझको फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप कोई भी क्वेश्चन हो हमें भी कहीं भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक पे मुझे जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।